एपीटीवी भारत आवाज देश की। जनपद लखीमपुर खीरी नगर मोहम्मदी के मोहल्ला कुरेशन में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जहां गठबंधन के प्रत्याशी अरशद सिद्दीकी और उनके कार्यकर्ता आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आए। दरअसल नुक्कड़ सभा की परमिशन 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक की थी। बावजूद इसके गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ सभा 10:30 बजे तक चलाई। सभा में पहुंचे तमाम नेताओं ने संबोधित करते हुए योगी, मोदी और राहुल को अपना निशाना बनाया और नारेबाजी की कि चौकीदार चोर है, विदेश में क्या काला धन वापस नहीं आया यारो, जुमले बाजू की सरकार है और योगी सरकार ने छोड़ दिए हैं आवारा पशु, किसान का जीना दुश्वार है। और राहुल गांधी को बताया कि राहुल गांधी तो पप्पू है, पप्पू को राजनीति के बारे में क्या मालूम। और गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने चुटकी लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रही है। और साथ ही ये भी कहा कि यारो 2014 में आए थे चाय वाले बनकर और अब वोट बटोर रहे हैं 2019 में चौकीदार बनकर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर धौरहरा क्षेत्र की जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता से अपील की गई कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, जो विकास कर सकता है या जिसने विकास किया है उसी के समर्थन में आप वोट दें। यही कहते हुए गठबंधन प्रत्याशी अरशद सिद्दीकी ने वोट के लिए अपील की। एपीटीवी भारत के लिए लखीमपुर खीरी से संजय राठौर की रिपोर्ट।